नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीताराम येचुरी को लेकर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। उन्होंने 72 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। सीताराम येचुरी एक जाने माने दिग्गज नेता थे और राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ रखते थे और साथ ही राजनीति में उन्होंने कई आयाम भी हासिल किए। ऐसे में अब राजनीतिक जगत को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ देखा जा रहा है। सीताराम येचुरी दिल्ली के एम्स के आईसीयू में भर्ती थे। माकपा ने मंगलवार को एक बयान में कहा था कि 72 वर्षीय सीताराम येचुरी का एम्स के आईसीयू में इलाज किया गया था। वह एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से पीड़ित थे। उन्हें 19 अगस्त को एम्स के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। साथ ही आपको बताते चलें कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी की काफ़ी लंबे समय से हालत गंभीर बताई जा रही थी। उन्हें एम्स के आईसीयू में रखा गया था। तेज बुखार आने के बाद उन्हें 19 अगस्त को एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था। 23 दिन तक उनका निरंतर इलाज चला और अचानक आज उनका निधन हो गया। सीपीआईएम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कॉमरेड सीताराम येचुरी को सांस की नली में गंभीर संक्रमण हुआ था। डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी और उनकी हालत पर नज़र बनाए हुए थी और अचानक आज उनके निधन की खबर ने पूरे पॉलिटिकल जगत को शोक में डुबो दिया है। और ऐसे में देखा जा रहा है अब तमाम राज्यों में चुनाव भी होते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में इस बीच राजनीतिक जगत को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, सीताराम येचुरी का निधन होने के बाद राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।